खबर 24 न्यूज, सच वही जो दिखेगा। विस्थापित रैयतों ने विधायकों को सौंपा ज्ञापन। टंडवा सीसीएल के आम्रपली शिवपुर के हांडू गांव के रैयतों ने मूलभूत सुविधा और जन समस्याओं के समाधान को लेकर सिमरिया विधायक किशुन कुमार दास को रविवार को ज्ञापन सौंपा है, जिसमें गांव के कुएं चापाकल सूख गए हैं, जिसके कारण 1 किलोमीटर दूरी तक पानी की व्यवस्था करना पड़ता है। पानी के अभाव में खिंचाई खेतीबाड़ी नहीं कर पाते हैं। विस्थापित गांव में प्रदूषण की समस्या का समाधान करने व गांवों में मूलभूत बिजली, पानी, सिंचाई, सामुदायिक भवन सुविधा उपलब्ध, स्थानीयों को रोजगार में प्राथमिकता देने की मांग शामिल है। विस्थापित ग्रामीणों उमेश गंजू, लखन गंजू, विकास गंजू, प्रेम गंजू, लोकनाथ गंजू, शांति देवी, पार्वती देवी ने बताया कि मांगों पर श्री विधायक किशुन कुमार दास ने जल्द समाधान करने का आश्वासन दिया है। सीसीएल प्रबंधन के द्वारा यहाँ के रैयतों का, यहाँ के मूल निवासियों का हक अधिकार का छीना गया है। आज यहाँ के युवा दूसरे प्रदेशों में रोजी रोटी के लिए गए थे, आज लॉकडाउन के वजह से वहाँ फंसे हैं। आप कल्पना करें, अगर यहाँ रोजी रोजगार का साधन उपलब्ध कराया जाता तो आज ये स्थिति नहीं होती। बताया जाता है कि कंपनी का कहना है कि हमने यहाँ के युवाओं को रोजगार पर रखा है, इस पर क्या बोलेंगे? ये सरासर गलत है। आज भी अम्बे कंपनी में अधिकतर लोग बाहरी लोग हैं। स्थानीय लोगों का महत्व ही कंपनी कभी नहीं दिया है। और यहाँ ही इतना ही नहीं, कंपनी जो है स्थानीय लोगों को जो भी बोलता है उसको झूठे मूठे मुकदमों में फंसा दिया जाता है, उनके ऊपर केस कर दिया जाता है। लॉकडाउन की वजह से हम देख रहे हैं, लॉकडाउन जैसे ही समाप्त होगा कंपनी के खिलाफ यहाँ के भूरैयत, यहाँ की आम आवाम बड़ा आंदोलन करेगी और यहाँ का जो हक अधिकार है लोगों को। चार ही दिन पहले मैं एक बच्ची का पिता बना हूँ, फिर भी मैं अभी सड़क पे खड़ा हूँ। मैं अपने 105 वर्षीय बुजुर्ग पिताजी को घर पर छोड़कर सड़क पर ड्यूटी पर हूँ। मैं अपने छोटे छोटे बच्चों को घर पर छोड़ के रोड पर ड्यूटी कर रही हूँ। मेरी पत्नी हार्ट पेशेंट है और मैं रोड पर ड्यूटी कर रहा हूँ। मैं 2 महीने के अपने बच्चे को घर पर छोड़कर आपके लिए सड़क पर ड्यूटी कर रहा हूँ। मेरी पत्नी प्रेग्नेंट है, मैं उसकी देखभाल छोड़ के आपकी सेवा में खड़ा हूँ। मेरे पिताजी 85 वर्ष का हैं, पैरालिसिस पेशेंट हैं, सेवा के लिए जाना चाहता हूँ परंतु नहीं जा पा रहा हूँ। मेरी नई शादी हुई है, हम अपने परिवार को छोड़कर आपकी सुरक्षा में सड़क पर खड़े हैं। मैं और मेरे पति झारखंड पुलिस पर हैं, हम दोनों अपने बच्चे को समय नहीं दे पा रहे हैं। आप लोग से निवेदन है, घर में रहें, सुरक्षित रहें। आप घर पर रहें, सुरक्षित रहें, जीवन बचाएं। आप घर में रहें, सुरक्षित रहें और जीवन बचाएं। घर पे रहें, सुरक्षित रहें, जीवन बचाएं। कोरोना के विरुद्ध इस लड़ाई में जीत आपके सहयोग के बिना असंभव है। झारखंड पुलिस हमेशा आपके सुरक्षा के लिए 24 घंटा तैनात है। कोरोना से संबंधित जो भी निर्देश दिया गया है उसको गंभीरता पूर्वक लेते हुए सब लोग घर पे रहे, सुरक्षित रहे और जीवन बचाए। घर पर रहे, सुरक्षित रहे, जीवन बचाए। टंडवा से